दोस्तों नमस्कार, मुकनक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सोमन। दोस्तों, मराठा आरक्षण के नायक मनोज जरांगे पाटिल फिर से पांचवी बार अनशन पर बैठ गए। अंतरवाली सराठी में उन्होंने अपना अनशन सुबह से शुरू कर दिया है। 20 जुलाई को यह अनशन उनका शुरू हुआ है, अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। मराठा समाज को आरक्षण मिलने के लिए अभी तक उन्होंने चार बार या पांचवी बार अनशन शुरू कर दिया है, आमरण अनशन शुरू है। पहली बार उन्होंने 29 अगस्त 2023 से उनका अनशन शुरू है, पहली दफा वो बैठे हैं अनशन पर, आमरण अनशन पर। दूसरी बार 25 अक्टूबर 2023 को बैठे, तीसरी बार 10 फरवरी 2024 को बैठे और चौथी बार 4 जून 2024 को बैठे। अभी पांचवी बार 20 जुलाई से उनका अनशन जारी है। उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। महाराष्ट्र सरकार भी उन कभी कभी यानी अनदेखी कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार भी उनके मांगों की अनदेखी कर रहा है। क्या है उनकी मांगे? मराठा समाज को कम से कम 10% आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और उन मांगों के लिए वो लगातार आमरण अनशन पर बैठे और सर क्राउड पुलर नायक मराठा समाज को मिला है। लाखों की भीड़ उनके आंदोलन में, कई बार वो आंदोलन कर चुके हैं, कई बार बड़े बड़े आंदोलन वो कर चुके हैं। मुंबई, पुणे, औरंगाबाद ऐसे कई शहरों में उनके आंदोलन हो गए हैं और हर बार उनके आंदोलन में लाखों की भीड़ देखी गई। इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग आते हैं, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने उनकी मांगों का कोई समर्थन नहीं किया है और ना ही उनकी तरफ कोई ध्यान दे रहा है। और दूसरी बात, अभी जो इलेक्शन आ रहा है अक्टूबर और नवंबर में, विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, महाराष्ट्र के विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं और अभी उन्होंने कमर कस ली है कि 288 सीटें जो है महाराष्ट्र में, सभी सीटों पर वो अपने उम्मीदवार लड़ाना चाहते हैं और इससे बीजेपी को तो नुकसान हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है। बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल है एनडीए, अजित पवार गुट, एकनाथ शिंदे गुट, शिवसेना का, उनको सभी को इसका फटका बैठने वाला है और बहुत बड़ी क्षति बीजेपी को होने वाली है अगर से वो उम्मीदवार अपने खड़े करते हैं 288 जगहों का। तो मनोज जरांगे पाटिल अगर से 288 जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं तो ये मुश्किल हो जाएगा बीजेपी को और उनके सहयोगी दलों को। दूसरी ओर जो कांग्रेस यानी महाविकास आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी को भी इसका फटका बैठ सकता है अगर से वो लड़ाते हैं अपने उम्मीदवार। फिर भी कमोबेश नुकसान महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का भी हो जाएगा, ऐसा अभी यानी लग रहा है, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो मनोज जरांगे पाटिल एक बहुत बड़ी इमेज लेकर उभरे हैं, उनकी हर बात एक न्यूज बनकर सामने आती है और लाखों की भीड़, अगर से उन्होंने आवाज दी तो लाखों की भीड़ वहां पर जाए। इतना बड़ा समाज अभी उनके पीछे है, नवयुवक युवा बेरोजगार उनके पीछे है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या जो है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं आंदोलन में उनके, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ ना कुछ इफेक्ट विधानसभा के इलेक्शन में होने वाला और इसकी जो क्षति है वो बीजेपी को भुगतनी पड़ेगी। इतना बड़ा, अगर से मनोज जरांगे पाटिल जरा भी पीछे हटते हैं तो फिर ये समाज जो है मराठा समाज टूटकर बिखर जाएगा और फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद।